गुड मॉर्निंग क्लास. अवर टुडेज टॉपिक इज वीरियॉइड्स. बिफोर वी स्टार्ट, फर्स्ट वी रिवाइज द होल चैप्टर, चैप्टर टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज़ अ एंड ऑफ दिस चैप्टर. वीरियॉइड्स एंड प्रियॉन्स, लाइकेन्स. नाउ in previous classes we are already dealt with the two kingdom system which was given by Linnaeus, then five kingdom system which was given by R.H. Whitaker in 1969. He proposed five kingdom system in which all living organism are divided into five kingdom. All bacteria are included into Monera kingdom and unicellular eukaryotes are included in protista, and fungi are included in kingdom fungi, and plantae and animalia. In Monera kingdom there are archaebacteria, eubacteria, photosynthetic bacteria, symbiotic bacteria and mycoplasma. Mycoplasma are totally different with other bacteria because they lack cell wall or smallest living cell known smallest living cell. मतलब ये सबसे छोटा living cell known है. फिर आया kingdom protista, जिसमें हमने जितने भी eukaryotes थे सभी की और unicellular थे सभी की study किया, जिसमें further kingdom protista को four classes में divide किया गया था. वो था क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स, प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया था इन फोर क्लासेस और फोर ग्रुप. फॉर एग्जांपल अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन्स. हमने ये देखा था कि स्पोरोजोन्स ये मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं और इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है. ना फंजाई, किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में हमने फोर क्लासेस पढ़े थे, जिसमें फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस एंड ड्यूट्रोमाइसिस के बारे में पढ़ा था. फाइकोमाइसिस में क्या था, इनमें जो फंगस थे और फंजाई थे ये सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी थे और रिप्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू सेक्सुअली बाय जू स्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स. और जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था वो एंडोजेनसली फॉर्मेशन हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था बाय आइसोगैमस एन आइसोगैमस और ऊगैमस. फिर एस्कोमाइसिस में हमने देखा था, इसमें भी ए सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था और रिप्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू कोनीडिया, लेकिन कोनीडिया एक्सोजेनसली फॉर्मेशन हो रहा था. और नाउ बेसिडियोमाइसिस में हमने क्या देखा था, बेसिडियोमाइसिस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था और सेक्स ऑर्गेन इनमें एबसेंट थे, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो इन्वॉल्व था वो मेनली सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व थे. सोमैटिक सेल में फ्यूजन के थ्रू ड्राई कैरियोटिक स्टेज आ रही थी. डाई कैरियोटिक स्टेज के बाद उनमें कैरियोगैमी, फिर कैरियोगैमी में मियोसिस हो रहा था और स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था जिसे बेसिडियो स्पोर्स कहा गया. और जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो रहा था स्पोर्स का, उन्हें बेसिडियम बोला गया क्योंकि बेसिडियोमाइसिस के ये मेंबर थे. अब ड्यूट्रोमाइसिस में इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है. इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था टोटली, और जितने मेंबर्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे इन्हें एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस में रख दिया गया था. तो ड्यूट्रोमाइसिस ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे और जो इसका एग्जाम्पल था अल्टीनेरिया. अब प्लांट किंगडम में कौन से इंडिविजुअल रखे गए, प्लांट किंगडम में वो सभी इंडिविजुअल इंक्लूड किए गए जो यूकैरियोटिक थे और ऑटोट्रॉफिक थे, मतलब कि वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करके
अपना न्यूट्रिएंट ले रहे थे, अपना फूड, अपने फूड को फूड सिंथेसाइज कर रहे थे। और जो इनमें लाइफ साइकिल थी ये सिग्निफिकेंट थी। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया, जो मतलब कि गैमेटिक फेज के बाद स्पोरोफिटिक फेज आ रहा था, और फिर गैमेटिक फेज, फिर स्पोरोफिटिक फेज। तो ऐसा देखा गया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट पोजीशन पे गैमेटोफाइट स्टेज आ रही थी और स्पोरोफाइट स्टेज आ रहा था। नाउ वी मूव टू द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक था वो हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स थे। इनमें रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, और सम मेजरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था बाय कॉपुलेशन, और डाइजेशन इनमें होलोजोइक डाइजेशन और न्यूट्रिशन होलोजोइक हो रहा था। और ये कम्प्लीटली सेल वॉल लैक कर रहे थे, इनमें सेल वॉल टोटली एब्सेंट था। अब नाउ वायरसेस, विरियोइड एंड प्रियॉन्स, लाइकेंस, इन सभी को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, तो इन्हें अलग से रख दिया गया। वायरसेस जो हमने पहले पढ़ चुका है, वायरसेस क्या थे, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक थे। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल प्लांट के ऊपर पैरासाइट बिहेव कर रहे हैं, एज ए पैरासाइटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो ये लिविंग में प्रेजेंट, लिविंग करेक्टर शो कर रहे हैं, और अदरवाइज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो एज ए डेड पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसलिए इन्हें जगह नहीं मिली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। और एंड नाउ वी मूव टू द विरियोइड्स। आज का टॉपिक है विरियोइड्स। विरियोइड्स में क्या थे कि इन्हें, विरियोइड्स के बारे में डिनर ने 1971 में बताया था। इन्होंने बताया कि ये सिर्फ आरएनए होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमने जनरली वायरस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट के अंदर प्रोटीन कैप्सोमियर्स के बने होते हैं। प्रोटीन कोट जो होता है कैप्सोमियर का बना होता है, और इस प्रोटीन कोट के अंदर सभी सेल कंपोनेंट एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए। ये प्लांट, ये वायरस पे डिपेंड करेगा कि वो प्लांट वायरस है या एनिमल वायरस है। तो प्लांट वायरस होगा तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो हमने ये जो डिनर ने देखा था 1971 में, इन्होंने पोटैटो पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने पाया कि वहाँ पे आरएनए डिजीज कॉज कर रहा है। ये सिर्फ आरएनए ही है, सिंगल आरएनए और सेपरेटली आरएनए ही डिजीज कॉज कर रहा है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग वायरस की प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने वायरस से हट के इसको नाम दे दिया विरियोइड्स, क्योंकि वायरस के लिए प्रोटीन कोटिंग भी ज़रूरी है, और वहाँ पे और जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था ही, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था लेकिन प्रोटीन कोटिंग नहीं थी, सिर्फ आरएनए प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था, जिसमें पोटैटो का शेप स्पिंडल लाइक हो जा रहा था, पतले स्पिंडल और लाइक शेप हो जा रहा था, तो इसलिए इसे स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोला गया। और इसमें ये पाया गया जो आरएनए है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो है, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का ये ऑर्गेनिज्म या वायरस ये प्रेजेंट है। तो इसे उन्होंने विरियोइड्स नाम दिया। नाउ वी मूव टू द प्रियॉन्स। व्हाट आर प्रियॉन्स? ये भी इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे प्रियॉन्स, लेकिन ये आरएनए नहीं थे, ये डीएनए भी नहीं थे, ये प्रोटीन थे। प्रोटीन की एक चैन थी जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा था। नॉर्मली जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन होता है ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रक्चर और हेलिक्स के फॉर्म में होता है। जब ये बीटा में चेंज हो जाता है, मतलब जिग जैग में चेंज हो जाता है, तो जिस क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस से प्रॉपर
ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, क्योंकि पोर से इसको जाना रहता है, अगर हेलिकल फॉर्म में है तो ये इजली पोर से, न्यूक्लियर पोर से चला जाएगा, लेकिन अगर ये जिगजैग फॉर्म में है, बीटा प्लेटेड शीट में है, तो ये इजली ट्रांसमिट नहीं हो पाता है प्रोटीन। तो ये क्या करता है कि इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है, डिजीज़ कॉज करने लग जाता है ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये जहाँ पर इसे ट्रांसमिट होना रहता है या जहाँ पर इसे जाना रहता है वहाँ ये जा नहीं पाता है, तो ये पर्टिकुलर सेल में ही डिग्रेडेड एग्रीगेट होने लग जाता है। एग्रीगेशन से क्या होता है कि वो सेल पूरी इन्फेक्टेड हो जाती है और वहाँ पर डिजीज़ उस सेल में डिजीज़ कॉज हो जाता है। तो ये सबसे पहले इन्हें कैनिबल्स में देखा गया, वहाँ पे देखा गया कि जो ह्यूमंस हैं, जो आदिवासी हैं, वो इस डिज़ीज़ से इन्फेक्टेड हैं, प्रियॉन से इन्फेक्टेड हैं। उनमें उनके ब्रेन का जब सिटी स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन में क्या पाया गया कि जो हेल्दी पर्सन का जो ब्रेन होता है उनमें सभी उनमें एक भी सीज़र प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्मल ब्रेन में सीज़र्स नहीं एब्सेंट होते हैं, होल नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इन्फेक्टेड ब्रेन था वो देखा गया कि वो उसकी साइज़ छोटी हो रही है, वो ब्रेन सिकुड़ रहा है, साथ में वहाँ पे होल्स भी मिले, सीज़र्स मिले, बड़े बड़े होल्स मिले। तो ये पता चला जो नर्व सिस्टम है ऐसे इंडिविजुअल में डिग्रेडेड हो रही है, जो नर्व सेल्स हैं वो डिग्रेडेड हो जा रही हैं, वो होल फॉर्म कर रहा है, मतलब एक तरीके से ब्रेन का डैमेज हो रहा था। तो ये क्या कॉज कर रहा था ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन डैमेज कर रहे थे तो ये अल्जाइमर डिजीज़ कॉज कर रही थी, जिसमें पर्सन की मेमोरी लॉस हो जा रही थी, और मेमोरी लॉस होने के बाद फिर ये फर्दर, जैसे अब यहाँ पे फर्दर सीज़र का फॉर्मेशन होगा, बड़े बड़े सीज़र्स का, होल का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, ये टोटली पर्सन जो होगा, जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो मैडली बिहेव करेगा, एक मैड पर्सन की तरह बिहेव करेगा, उसके कुछ भी समझ में नहीं हो आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल ब्रेन होता है वो नॉर्मल ब्रेन की तरह उसका ब्रेन वर्क नहीं कर पाएगा। प्रियॉन्स में ये देखा गया। तो प्रियॉन्स क्या करता है, ये नॉर्मल प्रोटीन को ट्रिगर करता है एबनॉर्मल फोल्डिंग करने के लिए। अब ये जैसे ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो क्योंकि प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होती है, जब प्रोटीन बनता है तो इसकी भी जैसे डीएनए की कॉइलिंग होती है, वैसे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है प्रॉपर सेल्स के अंदर। तो जब ये प्रियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन्फेक्टेड प्रोटीन जब आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जितने भी प्रोटीन का, इनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और ट्रिगर करता है इसको, नॉर्मल प्रोटीन को फोल्डिंग को ट्रिगर करता है, जिससे ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जब बीटा प्लीटेड शीट मतलब जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इजली न्यूक्लियर पोर, क्योंकि हम देखते हैं न्यूक्लियस में कई पोर होते हैं जिससे कि प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में जा सकें, और प्रोटीन यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सके। तो अब ये क्या होता है कि इनका प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है इन प्रोटीन का, ये एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, फर्दर ये एग्रीगेट जब करना स्टार्ट कर देते हैं किसी सेल में तो ये डिजीज़ कॉज करने लग जाते हैं। अब ये ह्यूमंस में देखा गया, जो आदिवासी थे, जो कैनिबल्स थे, उनमें ये देखा गया कि जब ये अपनी ही कम्युनिटी के ह्यूमंस को खा रहे थे, उनके ब्रेन को जब खा रहे थे, अपनी ही कम्युनिटी के ह्यूमंस को के ब्रेन को खा रहे थे, तो उनके ब्रेन के थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जा रही थी नॉर्मल ह्यूमन में। अब ये क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल ह्यूमन है वो भी इन्फेक्ट हो जा रहा था प्रियॉन से, वो भी इन्फेक्ट। अब जैसे कि किसी कैनिबल्स को, अगर किसी एक कैनिबल को अगर एल्जाइमर है, उसका
उसके ब्रेन का फंक्शन ऐसा है, मतलब सीजर फॉर्म हो रहा है। अब क्योंकि इस ब्रेन में प्रियॉन्स प्रेजेंट है, प्रियॉन्स के थ्रू सीजर का फॉर्मेशन हो रहा है, होल बन रहे हैं। तो क्या होगा कि जब ये, अब यहाँ पे प्रियॉन्स पहले से ही प्रेजेंट है, अब जब कोई आदिवासी इसको खाएगा, इस ब्रेन को खाएगा, तो ये प्रियॉन्स नॉर्मल ह्यूमन में, नॉर्मल ब्रेन में पहुंच जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्टेड प्रोटीन है, ये ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे उस नॉर्मल प्रोटीन को, और उसकी फोल्डिंग चेंज हो जाएगी, वो बीटा प्लेटेड शीट में चेंज हो जाएगा और वो डिजीज़ कॉज करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्रूट्सफेल्ड डिजीज़, जैकॉब डिजीज़, CJD से इन शॉर्ट कहते हैं। जैकॉब डिजीज़ में क्या होता है, ये ह्यूमंस में नोटिस किया गया है, ये एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं ह्यूमंस। और इसमें एक और डिजीज ह्यूमन में नोटेड है, वो है बोवाइन इंसेफेलोपैथी। बोवाइन इंसेफेलोपैथी में क्या होता है कि इंडिविजुअल की मेमोरी लॉस हो जाती है, और वो इनमें कई सारे एबनॉर्मल बिहेवियर देखे गए हैं, इनमें सीजर्स भी हो जाते हैं, साइको बिहेवियर शो करने लग जाते हैं ये लोग, ऐसे लोग साइको बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। और इन गाँव में ये CJD डिजीज़ को देखा गया है, इसी डिजीज़ को मैड काउ डिजीज़ भी बोला जाता है इन गाँव में। इसमें क्या होता है, जो गाय होती है नॉर्मली वो किसी खंबे से अपने गर्दन को रगड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और तब तक ये रगड़ती रहती हैं जब ये इनके वुंड भी बन जाता है कंटिन्यूस रगड़ने से, इनको इचिंग प्रॉब्लम होती है इनके गर्दन पर, और ये रगड़ते रहती हैं, इनके वुंड भी बन जाता है तब भी रगड़ते रहते हैं, इनकी इचिंग प्रॉब्लम मतलब ख़त्म नहीं होती है, और ये वुंड बढ़ता जाता है। और आफ्टर मतलब सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि इस काउ की डेथ हो जाती है। तो ये मैड काउ डिजीज़ ये प्रियॉन्स की जनरली प्रियॉन्स की वजह से देखा गया है। ये इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं जो काउ में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इन ह्यूमंस ये अल्जाइमर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि सीजर्स अगर बन जाएंगे तो सीजर क्या होगा कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जहाँ पे मेमोरी डेवलप होती है ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबल, अगर वहाँ पे सीजर बन जाएगा, वहाँ पे होल डेवलप हो जाएगा, और वहाँ की ब्रेन के नर्व सेल्स ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, इस पर्सन की मेमोरी लॉस हो जाएगी, ये ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ रिमेम्बर नहीं कर पाएगा, और ये अल्जाइमर डिजीज़ में जनरली देखा गया है ह्यूमंस में। ये अक्सर ओल्ड एज कंडीशन में होता है, ये डिजीज़ ओल्ड एज कंडीशन में होता है, क्योंकि ओल्ड एज कंडीशन में ये भी देखा गया है कि जैसे बुढ़ापा आता है वैसे ही नर्व सेल्स का डिग्रेडेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आइदर हो सकता है वो प्रियॉन की वजह से हो नर्व का डिग्रेडेशन इन यंग एज में, क्योंकि हम ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं या ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ओल्ड एज की कंपैरिजन में, तो प्रियॉन्स उतने अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, या अगर प्रियॉन्स के जीन प्रेजेंट भी होते हैं या अल्जाइमर के जीन प्रेजेंट भी होते हैं तो वो अफेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ओल्ड एज जैसे ही आता है तो वैसे भी सेल्स डाई ओल्ड एज में हमारी डाई कुछ सेल करने लग जाते हैं, तो जनरली देखा गया कि ऐसे भी डाई करते हैं, लेकिन प्रियॉन्स के थ्रू भी ये सेल्स हमारी डाई करती हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइकेंस। व्हाट आर लाइकेंस? These are actually symbiotic association of fungi and algae. ये एक symbiotic association होता है fungi और algae का, जिसमें जो fungi होता है वो algae को nutrition और dead material के through water और nutrition absorb करके fungi algae को देता है, और algae से utilize करके
फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस मटेरियल को ऑर्गेनिक में चेंज करके वापस से फंजाई को देता है। तो इस तरीके से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं दोनों ही एल्गी और फंजाई। जो इसमें एल्गा ग्रुप रहता है उसको फाइकोबायोंट बोला जाता है फाइकोबायोंट बोला जाता है, और जो इसमें फंजाई फंगल कंपोनेंट रहता है ये माइकोबायोंट बोला जाता है। क्योंकि माइको और माइसिस फंजाई को डिनोट करता है ये टर्म्स माइसिस फंजाई को डिनोट करते हैं और फाइको मीन्स प्लांट को ये टर्म डिनोट करता है। तो जो फाइको टर्म है इसका मतलब प्लांट होता है। तो ये जो एल्गी है वो प्लांट, क्योंकि प्लांट किंगडम से रिलेटेड है तो एल्गल ये कंपोनेंट को फाइकोबायोंट इसीलिए बोला गया, और माइकोबायोंट फंजाई को इसलिए बोला गया क्योंकि माइसीज टर्म और माइको टर्म फंजाई के लिए फंजाई को इंडिकेट करता है और फंजाई के लिए यूज़ होता है ये टर्म। तो इसलिए माइको टर्म फंजाई को डिनोट करता है और माइकोबायोंट फंगल कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉफिक भी बिहेव करता है, ये लाइकेन हेटरोट्रॉफिक भी बिहेव करता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो एल्गा का बना हुआ है या जो येलोइश पार्ट है, इस फिगर में देख सकते हैं कि ग्रीनिश और येलोइश है, जो ज़्यादा ग्रीनिश है पार्ट है बीच में वो फंगल है, फंगल कंपोनेंट है, और जो ग्रीनिश पार्ट है ग्रीनिश है वो एल्गल पार्ट है, फाइकोबायोंट है। तो जो एल्गल पार्ट है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, जो फंजाई का पार्ट है वो हेटरोट्रॉफिक बिहेव करता है। जो एल्गल है ये फूड का प्रिपरेशन करता है फॉर फंजाई, और जो फंजाई है ये एक शेल्टर देता है और मिनरल और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है, और ये मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके प्लांट एल्गा को देता है। अब ये एल्गा इसको यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में चेंज करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, लेकिन जो इसमें जो लाइकेन्स है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हेल्प देते हैं और हेल्प प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प करते हैं दोनों ही एक दूसरे को बाय माइकोबायोन, जो एक शेल्टर देता है जिस पर वो एल्गी है इजली ग्रो कर सके और फूड को, ये क्योंकि फंगल का ये कैरेक्टरिस्टिक है ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू डेड मटेरियल वाटर और फूड न्यूट्रिशन जो भी है मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये हाइफी के थ्रू ईजली एब्जॉर्ब करते हैं। फंगल में हाइफी के थ्रू एब्जॉर्प्शन बहुत ईजली हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन एल्गी का क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें राइजोफोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये उतना ईजली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन का कर नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, एल्गी में थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलस की जैसे बॉडी होती है ये एल्गी की। तो ये फोटोसिंथेटिक के लिए तो बहुत अच्छा सरफेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि राइजोम उतना अच्छा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है जितना एक फंजाई की हाइफी कर लेती है न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, एक रूट की तरह वो वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से ये एल्गा फोटोसिंथेटिक करता है और फंजाई जो लाइकेन में फंजाई है वो न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है, और एल्गी क्या करता है उसे फोटोसिंथेटिक के थ्रू फूड में कन्वर्ट कर देता है, और ऐसे ही
फूड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सिम्बायोटिक जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है विद इन फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, और ये एक गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा पॉल्यूटेड एरिया में वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेंगे, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। तो ये अधिकतर देखा गया है कि ये मॉइस्ट रीजन में या मॉइस्ट लोकेशन पे रहते हैं, लाइकेंस हील स्टेशन पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठंडी जगह में ये ग्रो कर पाते हैं, ईजली ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम एक बार 5 मिनट हैं, हम जल्दी जल्दी क्विक रिविज़न कर लेते हैं। फाइकोबायोन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन जो उनका क्राइटेरिया था ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का वो सुपरफिशियली था, वो मॉर्फोलॉजिकली वो उन्होंने सिर्फ देख के ही इंडिविजुअल को ऑटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक है उस बेसिस पे सभी इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल में। फिर इसके बाद क्योंकि इसे इनएडिक्वेट माना गया, इन्हें प्रॉपर नहीं माना गया कि सभी इंडिविजुअल सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं, ये सफिशियंट नहीं था। तो R.H. Whittaker 1969 में आया और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, और अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई और प्लांट एनिमेलिया। और मोनेरा में इन्होंने सभी जितने भी बैक्टीरिया थे सभी को मोनेरा ग्रुप में रख दिया, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे जिनका सेल टाइप प्रोकैरियोटिक था, सेल वॉल प्रेजेंट था लेकिन सेल वॉल कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकॉन के था, इसमें से बहुत सारे एडवर्स कंडीशन में मोस्ट हार्श कंडीशन में ग्रो कर सकते थे, फॉर एग्जांपल आर्की बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है मिथेनोजेंस जो मोस्ट हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकता था। नाउ यू बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया ये पहला ऑर्गेनिज्म था साइनोबैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा था। और फिर नॉस्ट्रॉक और एनाबिना को भी देखा गया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे थे, इनमें जो सेल्स थी वो मॉडिफाइड हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट था जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो रहा था, और जहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहे थे नॉस्टॉक और एनाबिना साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे ये जनरली एक्वेटिक थे, और पूरी एक्वेटिक बॉडी को ही ग्रीन कलर में चेंज कर दे रहे थे। और फिर आया था माइकोप्लाज्मा जिसमें कम्प्लीटली सेल वॉल एब्सेंट थी लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म था। नाउ प्रोटिस्टा जितने भी यूकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे सभी को प्रोटिस्टा में रख दिया गया, इसमें जो थे क्राइसोफाइट्स थे और डायनोफ्लैजलेट्स थे, यूग्लिनॉइड्स थे, स्लाइमोड्स थे और प्रोटोजोअन्स थे। प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप्स में मेजर ग्रुप में डिवाइडेड किया गया जिसमें अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स थे, फॉर एग्जांपल अमीबा, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन, एग्जांपल यूग्लिना, सिलिएटेड प्रोटोजोअन, पैरामीशियम स्पोरोजोअन्स में हमने एग्जांपल देखा था मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो इंडिविजुअल्स में मलेरिया कॉज कर रहा था। नाउ वी मूव टू द किंगडम फंजाई, ये सेप्रोफिटिक थे और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी लेकिन काइटिन कंपोजिशन का था, तो ये डेड मटेरियल पे ग्रो कर रहे थे और कुछ पैरासाइट्स भी थे इनमें, कुछ सेप्रोफिटिक भी थे, कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी थे। तो जो यूनिसेलुलर फंजाई था वो ईस्ट था, इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल और बाय वेजिटेटिव मीन ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा था, कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर रहे थे थ्रू हायर प्लांट के साथ, फॉर एग्जाम्पल माइकोराइजा। अब
इनके रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें 4 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट आर फाइकोमाइसिड माइसिड्स, एस्कोमाइसिड, डिसिडियोमाइसिड्स और ड्यूट्रोमाइसिड्स। ड्यूट्रोमाइसिड्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट था। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने ऑर्गेनिज्म थे उन सभी को एस्कोमाइसिस और बेसिडियोमाइसिस में रख दिया गया। नाउ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया, ये फोटोसिंथेटिक थे, ऑटोट्रॉफिक थे और इनकी जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल वॉल का कंपोजिशन जो था वो सेलुलोज था, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक था। प्लांट किंगडम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो प्लांट किंगडम से स्टार्ट होगा, वो है चैप्टर 3।